आनंद सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, बहुत ही खुशी का यह महीना है। सतगुरु प्यारे कुल मालिक वालिदो जहान परम पिता शास्त्राम जी महाराज का पावन अवतार महा और राजस्थान की सात संगत इसे आज भंडारे के रूप में मना रही है, तो सभी ने एक नारे के रूप में पावन भंडारे की पूजा हजूर पिताजी को बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जीनू फिर दा जमाना सारा लभदा, आया अवतार तार के जीनू फिर दा जमाना सारा लभदा, फिर दा जमाना सारा लभदा, आया अवतार तार के शाहसित नाम रूप रबदा, साई शाहसित नाम रूप रबदा, आया अवतार तार के तीनू फिर दस मन सारा लभदा, आया अवतार तार के चल ना नी पाए वध सूरज तो, वध सूरज तो जगमग जगदा, सूरज तो जगमग जगदा, आया अवतार तार के, आया अवतार तार के, जिनू फिर दा जमाना सारा लभदा, आया अवतार तार के। दिल करके दीदार नहीं हो रजदा, आया अवतार तार के, आया अवतार तार के, साई शाहसित नाम रूप रबदा, आया अवतार तार के। खुशियां च लालियां बखेरे, सूरज भी खुशियां च लालियां बखेरे, अंबरां दे उत्ते लाके बह गया है डेरे, जग तारे भी करने आके सजदा, जग तारे भी करने आके सजदा, आया अवतार तार के, जिनू फिर दा जमाना सारा लभदा, आया अवतार तार के। Thank you.
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿੱਤਾ ਬਦਲ ਸਿਤਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਦਲ ਸਿਤਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਇਆ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਦਾ ਆਇਆ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਆਇਆ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सत ब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जनवरी के महीने में अवतार लिया है जनवरी के महीने में अवतार लिया है सतगुरु प्यारे ने रूहों पे उपकार किया है जनवरी के महीने में अवतार लिया है सतगुरु प्यारे ने रूहों पे उपकार किया है अनामी से चल के आए तरस बेशुमार किया है सतगुरु प्यारे ने रूहों का छुटकार किया है चमके धरत में के मालिक आज धरत पे आए जी रूहों ने मंगल है गाया मालिक उन्हें लेने आए जी इंसान का रूप मालिक ने धार लिया है इंसान का रूप मालिक ने धार लिया है सतगुरु प्यारे ने रूहों पे उपकार किया है नूरानी नूर आए जी पितावर राम सिंह जी ने प्रेम से दर लड़ाए जी नूरे खुदा ने जग को नूर जलाल दिया है सतगुरु प्यारे ने रूहों पे उपकार किया है जनवरी के महीने में अवतार लिया है सतगुरु प्यारे ने रूहों पर उपकार किया है जी ने हमको सारा भेद बताया जी ये नूर है रब्बी जो चल कर धरत पे आया जी धन श्याम मस्ताना जी के जिन्होंने जाहिर किया है
सतगुर प्यारे ने रूहों पर उपकार किया है, अनामी से चल के आए तरस बेशुमार किया है, सतगुर प्यारे ने रूहों का छुटकार किया है। कर मुर्शिद जी ने हमको ये समझाया है, अंदर को जो मालिक बाहर ना किसी ने पाया है, नाम प्रभु का सच्चा साथी प्यार दिया है, सतगुर प्यारे ने रूहों पर उपकार किया है। जी दाता कैसे गुण तेरे गाए जी, समुंदर के पानी को कैसे मटके में है पाए जी, दास मीत बता ना पाए जो उपकार किया है, दास मीत बता ना पाए जो उपकार किया है, सतगुर प्यारे ने रूहों पर उपकार किया है, अनामी से चल के आए तरस बेशुमार किया है, सतगुर प्यारे ने रूहों का उपकार किया है, जनवरी के महीने में अवतार लिया है, सतगुर प्यारे ने रूहों पर उपकार किया है, सतगुर प्यारे ने रूहों पर उपकार किया है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सत्संगत जी, सत्संगत में आज जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र नाम शब्द मेथड ऑफ मेडिटेशन भक्ति करने का जो तरीका है वो लेना है, तो आपने आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हाल है उसमें जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का पूरा कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा, और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरुजी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र नाम शब्द देंगे जी, और गुरुमंत्र के तुरंत बाद फिर यहां पर रूहानी जाम पिलाया जाएगा। बाकी जो पीछे खड़े हैं बहन या भाई, कृपया सभी बैठ जाएं, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजन बाजी प्यारी सत्संग जी, सत्संगत को मालूम है जनवरी महीना सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर का अवतार माह है, जन्म माह है, और सत्संगत देश विदेश में अपने प्यार मोहब्बत जैसे अपने सदगुरु के साथ श्रद्धा विश्वास के साथ मनाती है, तो आज राजस्थान की तरफ से यहां भंडारा मनाया जा रहा है, तो सारी सात संगत जो भी चल के आई है बेपरवाजी के जन्म माह का भंडारा बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, मालिक खुशियां दें, यानी अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत में अच्छे नेक कर्मों में आप बड़े चले जाएं। बधाई का मतलब बढ़ना, खुशी का बढ़ना, रहमतों का बढ़ना, तो आप अच्छे नेक कामों में बढ़ोतरी करें, अच्छे नेक कामों में तरक्की करें और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएं। यह आपको आशीर्वाद कहते हैं। तो सच्चे दाता रहबर शास्त्र राम जी महाराज, बेपरवाह साईं, दया के सागर रहमत के मालिक, इस धरा पे 25 जनवरी
1919 को आए, जीवों को बताया, राम नाम का पाठ पढ़ाया और यह सिखाया कि आप कैसे इस मृत्यु लोक में रहते हुए सुखी रह सकते हैं, कैसे खुशियों का दामन हमेशा पकड़े रखना है और किस तरह इस मृत्यु लोक में भगवान को देखा जा सकता है। इंसान की इच्छा तो आदिकाल से है कि वो सुप्रीम पावर कौन है। पहले भी साइंसदान मान चुके हैं, यानी परलय महाप्रलय से, युग बीतने से पहले भी मान चुके हैं और आज वाले भी मानना शुरू कर चुके हैं कि सुप्रीम पावर कोई तो है। जैसे एक बार ऑस्ट्रेलिया में या ख्याल में नहीं किस देश में ये रिसर्च किया गया कि जो राम नाम जपते हैं और जो नहीं जपते क्या फर्क है, तो उनमें सेंसर लगाए गए, चिप लगाई गई कंप्यूटर की, पूरा कंप्यूटर का माहौल था कि वहां जरा से भी कोई तरंग आए, रेज आए, कोई भी कुछ भी एहसास हो, वो सारा मॉनिटर कर रहे थे, कंप्यूटरों में रिकॉर्ड हो रहा था। तो उन्होंने ये माना कि मालिक का नाम जपने वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, जल्दी से वो गमगीन नहीं होते, दुखी नहीं होते, जो जाप करते हैं वो सुबह शाम प्रेयर करते हैं, सुमन करते हैं। तो उन्होंने ये रीडिंग आई कि उनमें सुसाइड की तो नाम मात्र ही भावना होती है क्योंकि सब मालिक पे छोड़ा होता है, और दूसरी बात लड़ाई झगड़ा बहुत कम आम दुनिया के मुकाबले, उनके अंदर बर्दाश्त शक्ति गजब की होती है। तो जब उन्होंने कंप्यूटरों पे अध्ययन किया तो उसमें यही रीडिंग आई कि ब्रह्मांड से कुछ किरणें आती हैं और जब वो प्रेयर करते तो उनके दिलो दिमाग में टकराती हैं, दिमाग में आके सीधी वो किरणें सीधी वहां से आती हैं और दिमाग में चली जाती हैं, जिससे उनके अंदर विल पावर आता है, आत्मविश्वास आता है। तो ये उनका मानना कि ऐसा होने से वो लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, इसलिए उन पे फिर किसी चीज का जल्दी से असर नहीं होता। तो ये बातें जब सामने आई तो उन्होंने माना कि ये ब्रह्मांड में कोई अदृश्य सुप्रीम पावर है, हम उसे भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहते हैं। तो सतगुरु मौला ने उसी के चर्चे किए, उस सुप्रीम पावर को आप देख सकते हैं। कोई भी इंसान बस वचन सुन लो कि ये है भाई गुरु मंत्र, इसका जाप करो, ये नियम है, इनके अमल करो, तो आप अपने घर में बैठे परिवार में रहते उस सुप्रीम पावर को सबसे बड़ी शक्ति का एहसास भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। तो सदगुरु मौला ने ऐसा नाम दिया, ऐसा तरीका बताया, बड़ा ही आसान। तो जिन जीवों ने सुना, माना, आज तमाम खुशियां हासिल कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये खुशियां बढ़ती ही जानी है, ये उनके पवित्र वचन। बेपरवाजी के पास जब हम आया करते, बहुत छोटी उम्र थी, शायद 4-5 साल, 5-1 साल के रहे होंगे, जब सदगुरु जी से गुरु मंत्र लिया, यानी 72 या 73 की बात। तो उसके बाद लगातार जब भी टाइम मिलता, साल में 2-4 बार, 1 बार, जब भी जैसा भी परिवार में कोई लोग आते तो हम आया करते, सदगुरु के नूरी स्वरूप के नजारे लुत्फ उठाया करते, तो बड़ा परमानंद मिलता, लोगों को लेके आते, फिर बड़े हुए गाड़ियों पे लेके आते, ट्रक वगैरह करवा देते, गाड़ियां करवा देते, राम नाम का जाप करने वाले लोगों को लेके आते, जो नशे में डूबे होते, बुराइयों में पड़े होते, तो सदगुरु से जुड़ के नाच उठते। बल्कि खेतों में काम करने वाले, हम तो उन्हें भाई की तरह मानते हैं, लोग जिन्हें नौकर या कह देते हैं, खेतों में काम करने वाले सीरी, तो वो सज्जन भी सभी नाम, सभी को नाम लिया ही होता, बस बड़ा तेजी से दाने वगैरह निकालते, बड़ा तेजी से, हम भी दिन रात लगे रहते उनके साथ सदगुरु की कृपा से, सभी यही कहते यार बापू दे दर्शन करने, जल्दी करो, मजा आएगा,
नाचेंगे कूदेंगे खुशी मनाएंगे, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, बस जल्दी करें, महीने की वो सत्संग चली ना जाए। तो ऐसी तड़फ जगाने वाले सदगुरु मौला कहां उन घरों में नशे बर्बादी का आलम, झगड़े मार कुटाई, मियां बीबी में नहीं बनती, बुरा हाल होता था। और कहां ये तड़फ ये कशिश कि कब राम नाम जाके सुने और कब सदगुरु के दर्शन करें, ऐसी कशिश उनके रूहानी बॉडी में, ऐसा प्यार बख्श देते, कोई तकरार नहीं, कोई द्विध्वेत नहीं, सबसे एक जैसा प्यार। ये नहीं होता कि आप सदगुरु के पास हैं तो ज्यादा खुशी है, ये दूर हैं तो गमगीन है, नहीं। चाहे आप पास हैं चाहे दूर हैं, वचनों पे जितना अमल करते जाओगे खुशियों में लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी, ब्रेक नहीं लगते। पास वाले भी लूटते हैं मालिक के नजारे, दूर वाले भी लूटते हैं, लूटते वो हैं नजारे जो वचनों पे अमल करते हैं। तो अमल करना सीखिए, लड़िए मन जालिम से। इस भंडारे में सदगुरु के जन्म माह में, अवतार माह में, ये सोच लीजिए कि हमने 31 बुराइयां छोड़नी ही छोड़नी है कम से कम। असल तो 62 छोड़ो रोज की, दो बुरी आदत है, मैनर नहीं है, मैनरलेस है, या जो भी चीजें आपको लगती हैं, मैं बच्चे नहीं मानता, हुक्म के बिना चलता हूं, मनमर्जियां करता हूं, वो चीजें छोड़िए, कोशिश कीजिए। भाग्यशाली जीव होता है। परम पिताजी के पास एक बार कुछ सज्जन, हमें ख्याल में नहीं कहां से थे, हम भी मिलने बैठे, गुफा में बैठे हुए थे, तो बेपरवाजी से वो पूछने लगे, पिताजी ऐसे ऐसे ये काम करना है। तो बेपरवाजी ने एक दोहा बोला, एक वैसी शब्द कहे कि जेड़ा कम करना लोड़ी दा हुक्म ले लिए गुरु जी, ऐसा एक शब्द एक दोहा शायद बेपरवाजी ने बोला कि भाई ये तो आप भागों वाले हो, जो आपको टाइम मिल रहा है, हुक्म मिल रहा है, वरना फकीरों के पास कहां टाइम है कि किसी को हुक्म दे कि इन वचनों पे चलो इन पे ना चलो, क्योंकि वचनों पे चलने की प्रेरणा सतगुरु देते हैं, फकीर देते हैं सत्संग में, पर अलग से आज्ञा मिलने का जिसको टाइम मिल जाए। बेबरा जी कहते भाई छोटी सी विंडो भी रखो तो भी पूछ लो तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो बड़ी खुशी हुई। हम तो जो भी कार्य करते, ट्यूबवेल वगैरह या जो काम उस समय करते, बेबरा जी से पूछते, हम नहीं बोला करते थे, हमारे संगी साथी कोई होते उनको कहते थे भैया आप पूछ लो, तो हम कभी भी नहीं शायद बोलते थे, बस दर्श दीदार के आशिक थे। बाद में सतगुरु जी ने जब अपने पास ही बुलाया, अपना रूप ही बना लिया, तो बात अलग है, फिर तो चुप नहीं रहते थे, पूछते रहते थे, हर बात करते थे, क्योंकि फिर तो हमसे ही बातें होती थी, हमसे ही चर्चा ज्यादा होती थी, हर किसी की चर्चा होती। तो उस सतगुरु मौला का जितना शुक्राना करें उतना कम, पर मजा होता वचनों को मानने का। बेपरवाह जी ने जब हमें बुलाया, शायद ही ऐसा कभी किसी फकीर ने किया हो, एडवांस में ही ये लिखवा दिया, पूरा लिखते में भी शायद ही कोई लिखता हो, ऐसी बसियत या ऐसा चीज कि हमारे जीते जी सब कुछ इनका, सारा कुछ बेबरा जी ने ये शब्द डलवाए, ये करवाया, हमें पास बिठाया। जिस दिन हम आए, शाम का समय था, 22 सितंबर 1990 की वो बात, बेपरवाह जी के पास आके बैठे, परिवारजन था सारा, तो चर्चा चली कि भाई हम तो इनको गुरुगद्दी पे बिठाएंगे। माता जी बापू जी पूछने लगे आप खुश तो हो ना, तो ये इन दोनों ने कहा जी हमने क्या करना है, 18 साल बाद तो ये पहले हमारे पैदा हुए, अब ये आपके पास आ गए हैं, इतना बड़ा घर है, इतने बड़े खेत हैं, ये अकेले ही संभाल रहे थे। बापू जी की आंखों में आंसू आ गए कि ये तो 7 साल के थे तब से मुझे खेती बाड़ी सारा कुछ ही छुड़वा दिया, सारा कुछ यही करते थे, तो अब ऐसा कीजिए वो जमीन भी आप ले लें, घर भी आप ले लें, और एक छोटा सा मकान हमें यहां दे दीजिए, सुबह शाम आपके और इनके दर्शन करते रहेंगे। तो बेपरवाह जी भी बैराग्य में आए, उस सतगुरु मौला दोनों जहां के दाता के, बैराग्य का मूल्य क्या होता है और कितनी खुशियां होती हैं वो तो परिवारजन जाने या सतगुरु मौला जाने। सो बेपरवाजी फरमाने लगे ना भाई ना 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 ना, हम आगे बहुत बड़ी कुर्बानी ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि छोटी बेटी तो हमारी 1 साल की थी उस समय और बाकी दोनों थोड़े बड़े थे, तो कहने लगे ना ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है, हम तो बहुत बड़ी कुर्बानी ले रहे हैं, इसलिए आज से ही हम आपसे कुछ लेते नहीं, इनकी झोली में दोनों जहां की दौलत डाल रहे हैं। ऐसे हम पास बैठे थे,
तो शायद ही रूहानियत में कभी ऐसा हुआ हो कि गुरुगद्दी की रस्म पूरी नहीं हुई और पहले ही दोनों जहां की दौलत सतगुरु मौला ने अपने वचनों के द्वारा ये सौंप दी हो। ये अपने आप में बेमिसाल बात है। जो आज निंदक, जिनका मन उखड़ा है, क्यों उखड़ा है ये तो राम जाने, जो पहले तो बड़ा यकीन किया करते थे, कुछ देर में ही पता नहीं क्या हो जाता है, शायद माया रानी का चक्कर है, लोभ लालच का चक्कर है, या उनका मन उनको गिराता रहता है, सुमरण करना नहीं, सारा दिन काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, सातों में से कोई ना कोई तो उनके ऊपर छा ही जाता है ना, तभी आदमी भ्रमता है। तो बेपरवाह जी ने गुरुगद्दी दी, तो उसी समय हजारा लाल जी भक्तराम जी होते थे, उनको बुलाया, हम थे, शायद मोहनलाल था, कुछ शायद धर्मराज, इनमें से कोई थे ख्याल में नहीं, कहने की जरा भाई ऐसे ऐसे करके हुक्मनामा बना के ला, क्या बना के लाए, कहने लगा जी मैं क्या लिख सकता हूं, कहने लगे बस ये लिखना है हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, इनको हमारा रूप ही मानना है, तू लिख के ला। एक दो लाइनों में सारा कुछ लिखवा दिया, उन्होंने लिख के लाए। उस दिन शाम को शायद हम फिर बैठे थे, सामने पढ़ा, धीरे धीरे पेपर देखे, धीरे पास पास, धीरे धीरे पढ़, कुछ लाइनें उसने सही नहीं लिखी थी, उनको सही करवाया, नहीं यहां ये नहीं, ये होना चाहिए। और हमें बड़ी हैरानी होती है, यहां खड़े हो के या लोगों को बताना कि कुल मालिक है, वो तो दोनों जहां के दाता हैं जी, और फिर ये कह देना कि उनकी याददाश्त नहीं थी, उनको तो पता ही नहीं था, ये तो किसी ने और ही लिखा है, किसी और से ही पास करवा लिया, लानत दुर्फिटे मुंह ऐसी गुरुमुखता पे, पता नहीं किस बात पे गुरुमुखता कहलाती है। एक तरफ मेरा सदगुरु दोनों जहां का दाता है, क्या वो कभी याददाश्त हो सकती है उसकी दूर, वो इतना अनजान। सो हमारे सामने एक एक लाइन ठीक करवाई, बिच शराबे रंग मुसल्ला, ये बेपरवाह ने खुद मुखारबिंद से कहा ये भी लिखो इसके अंदर लास्ट में, हमें ख्याल में ये ऐड करवाया। तो बेपरवाह जी ने जो वचन लिखवाए वो हुक्मनामा या फिर ग्रंथों में लिखने के लिए कि ये चीजें दी, तो ये कैसे कहा जा सकता है? कई मूर्खों को तो हमने तब भी सुना था, शब्द बेपरवाह जी थोड़े बनाते हैं, हमें ये लोग कहते थे, हमने कहा और तू बनाता है, फिर चुप हो जाते। तो सब कुछ सतगुरु ने करवाया, कर रहे हैं और करवाते रहेंगे। हमारा यहां बताने का मकसद, आजकल कई लोगों को गद्दी की बड़ी भूख लगी हुई है और खुद कैसे बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं वो आप सुन ही रहे हैं सारे। सतगुरु ने अच्छा किया ना, ऐसे लोगों को नहीं बिठाया, वो जानी जान दोनों जहां के मालिक हैं। चर्चा चली बेपरवाजी की मीटिंग हुआ करती, उस मीटिंग में एक बार बोला बेपरवाजी ने कि भाई हम ऐसा वैसा थोड़े ना बिठाएंगे जो डेरे को बेच के खा जाए, ऐसा बिठाएंगे दिन दुगनी रात चौगनी डेरा तरक्की करेगा। और शासकत गिनती कर ले कितनी जगह पे डेरे बन चुके हैं और विदेशों में कितनी जगह बनने को तैयार हैं, बस कागजात वगैरह उनके बनने वाले हैं साथ के साथ। और ये डेरा कहां था और कहां पहुंचा और क्या पता कितना बड़ा होना है इसने, उनके वचन है, हमारे नहीं, हम हमारा कुछ नहीं है पर उनके वचन। तो सतगुरु मौला ने जो वचन किए, नहीं जी हम तो साईं जी को मानते, नहीं जी परम पिता जी को ही मानते, खाक मानते हो, उनके वचन थे हम हैं हम ही रहेंगे। और परम पिता जी ने बताया कि भाई कोई बात आते पूछने, कई खास सेवादार आए बात पूछने के लिए, पिताजी हमें बता दो, कहते ना भाई इनको दोनों जहां की दौलत बख्श दी। हमारे पास आते, एक बार तो ऐसा हुआ, कई बार हुआ ऐसा, एक बार तो काफी हुआ, वो सज्जन हमारे पास है जी, नहीं मैंने बख्श दो जी, देखो परमपिता जी कह रहे हैं। हमने कहा मूर्ख धीरे से कि भाई हमारा सदगुरु मौला दाता रहबर मालिक बैठा है, हम होते कौन है बख्शने वाले, जा उसके पास, वो हमारे पास है। उधर शिफ्ट हो गया, ऐसे थोड़ी सी दूर कुर्सी थी, इधर बेपरवाह जी की चार पाई, यानी वो सिरहाने बैठे थे, हम पायदान दूसरी पैंद की तरफ बैठे हुए थे कुर्सी डाल के, तो बेपरवाह जी के चरणों की तरफ। तो हम धीरे से उसको कहा कि तेरे को समझ नहीं आती कि उधर देख सतगुरु मौला बैठा है, वो ही बख्शेगा। वो फिर है नहीं जी तुसी दया दे सागर। बेपरवाह जी कहते कमाल करता है, तेरे को बोल तो दिया कि हमने तो भाई दोनों जहां की ताकत उनको भाई उनसे कर, वो हमारी तरफ आए, हम उसको यूं दिखा दें, वो उधर जाए, वो उधर उधर उधर, इतना मतलब दो तीन चार बार ये प्रोग्राम चला तो वो बीच में लेट गया, कहता जी दोनों ही माफ कर दो मुझे। तो बेपरवाह जी हंस पड़े, कहते जा हूं तेन माफ है, कोई गल नहीं। सो उस सतगुरु की खेले आम लोगों को दिखाते रहते, मजलिसों में जिनके बच्चे पढ़े होते थे,
बुलाते कहते हैं बोल भाई किसी ने पूछना है गुरगद्दि के बारे में, हम बैठे ऐसे हाथ कर दो तीन बार कम से कम, या बड़ा पीपल है उसके पास 50 नंबर कमरा होता था या वो जितने नंबर उसके पास मजलिस से थी, तो दो तीन बार भी प्रभु जी ने वचन किए। और आज जाके और साथी कौन है जो कभी वचन नहीं मानते, शराबी कबाबी गुंडागर्दी करने वाले, सभी की इच्छा है कि इतना बड़ा आश्रम इतनी बड़ी साध संगत हिमालय पर्वत तक बताते हैं, ये तो हिमालय पर्वत हो गया साध संगत, तो भाई ये तो राम नाम जपने वाले हैं, किसी का बुरा तो करते नहीं, किसी को बुरा कहते नहीं, तो सबको होता है यार ये तो बड़ा आसान सा काम है, धक्के से गद्दी ले ली, फलाना कर दिया, धींकड़ कर दिया, तो आप ले लेते फिर आपने क्यों नहीं ली धक्के से? संत पीर फकीर के पास आ जाए वचन हो जाए तो कुलें खत्म हो जाती हैं, धक्का तो दूर की बातें हैं। सदगुरु मौला जिसे चाहे वो तिनके से भी काम ले लेते हैं, पिंगलों को पहाड़ों पे चढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आके बताते हैं। तो सदगुरु मौला पता नहीं लोगों के दिलो दिमाग में क्या है, जब तक इस वचन को नहीं मानेंगे लोग, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे, कहीं उन्हें मस्ताना जी को कुछ नहीं समझा, और देखो आज उनका हशर क्या हो रहा है। क्यों नहीं मस्ताना जी, कैसे नहीं, किसने ढूंढा परमपिता जी को फिर, और क्या वो ढूंढने वाला इंसान थे, आम आदमी, और क्या परमपिता जी के वचन झूठे, हम थे हम हैं हम रहेंगे, तो इसमें तो बात ही खत्म होगी, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इसका मतलब मस्ताना जी टाइम में भी परमपिता, एक तरफ परमपिता जी की निंदा कर रहे हो, मस्ताना जी को बुरा कह रहे हो या अब बुरा कह रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो नहीं, और कईयों का तो दीन मान ही खत्म है, ना मस्ताना जी को मान रहे हैं ना परमपिता जी को, और हमें तो मतलब ही नहीं। सो ऐसे भी लोग हो गए हैं, सो बच के रहो, आज का युग बड़ा ही खतरनाक है, आप मालिक के मुरीद हैं, और जो मुरीद बनने आए हैं वो भी ध्यान से सुने। संत पीर फकीर का काम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम बताना, बुराइयां छुड़वाना, मालिक से जोड़ना, और आपके अंदर बाहर की कमियों को दूर करना, आपको सही रास्ते पे चलना सिखाना, ये संतों का काम होता है, फकीरों का काम होता है। सो बेपरवाची ने खुद ही ड्यूटी लगाई, खुद ही वचन कर दी हम करेंगे, क्योंकि हमने जब चोला बदलना था पहले बेपरवा जी पता ही था, बताया हुआ था, हमसे तो कोई पर्दा नहीं होता था किसी भी चीज का, तो हमें बैराग्य चल पड़ा, और बैराग्य फिर ऐसा वैसा तो चलता नहीं था, सदगुरु ने तो दिन रात ही चलता था, ना कुछ खाना ना पीना होता था, बड़ा मुश्किल हो जाती, सारे सेवादार बाहर शोर मचाते, तो बेपरवा जी के पास गए, कहते भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने कहा जी आपने ये चोला बदलने वाला सिस्टम ये हमसे सहन नहीं हो पाएगा, हम बैराग्य में तो थे ही, तो बेपरवा जी ने अपनी छाती से लगाया, बैराग्य में हम उतरे रहे, हमें ऐसे ऐसे कभी सिर पे, जो छोटे बच्चे को मां दुलारती है अगर उदाहरण दे, उससे भी कहीं बढ़ के लगे रहे, साथ लगा लिया, पर बैराग्य था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो थोड़ा पीछे किया, हमें बस यूं उंगली तानी और हमारी छाती पे यहाँ हार्ट होता है बिल्कुल वहीं जोर जोर से, जब हमने कहा है तू थोड़ी करेगा, हम थे हम है हम करेंगे, हम करेंगे, शायद 10 बार बेपरवा जी ने या 15 बार ये वचन किए होंगे, तू फिक्र क्यों करता है? हमने कहा जी हम तो छोटे से हैं, 23 साल की उम्र थी, कितना हमें इतना बड़ी साध संगत इतना बड़ा सब कुछ, अरे तू तू थोड़ा ही हम हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे अंदर हैं, बस वो दिन गया ना, तो बेपरवा जी ने कोई बैराग्य आने दिया उस तरह का, और ना ये हुआ कि संभाल ना पाए, बेपरवा जी के दर्शन करवाए पूरी साध संगत को, हमारी ही वो ख्याल था कि सारी साध संगत को दर्शन करवाएं, सबके बड़े बड़ों के ख्याल कुछ और ही थे, तो हमने कोई सलाह नहीं ली, हमने कहा हम सलाह नहीं ले रहे, हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा करना है। बेपरवा जी के पास बैठे, सारी साध संगत को दर्शन करवाए, कोई एक बंदा भी रोया नहीं कि वहां ऐसा करे, सदगुरु ने ऐसी कृपा की ऐसी रहमत की, और कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो हमें किस बात का फिक्र है? कई बार कई आते हैं, कई पूछने आए, ऑफिसर आए बड़े बड़े, कई जगह पे हमें बुलाया गया, वहां अकेले ही गए, कहते यार एक दूसरों से पूछने लगे ये गुरुजी को क्या खाते हैं, ये इनके चेहरे पे सिकन क्यों नहीं है? अंदर भी उन्होंने हमसे भी पूछा, गुरुजी आप डरते क्यों नहीं? कि हमने कहा क्यों चोरी करिए डरे, क्यों डरे हम, हमने क्या गलत काम किया है? कहते वो तो सानू भी पता है पर सानू प्रेशर है, ये तुसी आप समझ लो केड़े केड़े ते प्रेशर और की करवा रहे है ये प्रेशर। सो कौन प्रेशर डालता है कोई अगर आपको बताने की जरूरत है, आपको सारी संगत को पता है कौन डालता है, अगर अब भी आपको नहीं पता तो हमें लगता नहीं कि आप का दिमाग सही है, क्योंकि अब तो सारों को ही पता, ढोल बज चुका है कि हाँ भाई कौन प्रेशर डाल सकता है,
यहाँ बातें जरूर होती हैं, ये आजाद है, फलानी चीज आजाद है, कोई आजाद बजाद नहीं है, सब प्रेशर में है, सब प्रेशर में। कोई मालिक का प्यारा, कोई अच्छे संस्कार वाला बचा होगा, उसको वैसे घुमा देते, खुड्डे लैंड ला दो इन खुड्डे लैंड, तो वो कहता ठीक है खुड्डे लैंड ला दो, पर मैं अपने अंदर की चीजों को नहीं बदलूंगा। कोई मालिक का प्यारा, उसे मिलती है खुशियां, तो वरना उनके प्रेशर में रहना ही पड़ता है। सच्ची बात कहते हैं, कड़वी तो होती है पर है ये सच। तो भाई हम तो सतगुरु के एक उन्होंने वचन किए हैं, उनके सहारे चल रहा है सब कुछ, उनके सहारे चलता रहेगा। पर आपको एक नुक्ते की बात बताते हैं, अगर आप खुशियां लेना चाहते हो तो ये वचन हमेशा याद रखो, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। क्योंकि ये बेपरवाह जी ने वचन हमें कई बार किए, सद्ब्रह्मचारियों में किए, सेवादारों की मीटिंग में, जब ये बात आई कि आप चोड़ा छोड़ जाएंगे, रोने लगी सास, कहते नहीं हम कहीं नहीं जाते, आपके साथ रहेंगे। मतलब वही हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। साफ शरेआम वचन किए। जिसने इस नुक्ते को पकड़ लिया, ना तो उसके दिलो दिमाग में कभी टेंशन आए, ना घर परिवार में कोई दुख आए, ना उसके शरीर में आए। और जो वो कुछ और थे, ये कुछ और है, वो कुछ फलां थे, ये वो फलां, यही करता रह गया, तो यही करते करते एक दिन अंतिम श्वास ले लेगा, पर यहां वो नजारे लूट नहीं सकता। तो भाई सतगुरु मौला करवा रहे हैं, उनका काम है, तो इसलिए सत्संगत खुशियां मनाती है देश विदेश में। नरकों जैसे घरों को स्वर्ग जन्नत बना दिया, सारे नशे छुड़वा दिए, बुरे कर्म छुड़वा दिए, नेक इंसान बना दिए, बुरे काम करने वाले आज भक्त बने बैठे हैं। कई बार बेपरवाह जी फरमाते भाई ये तो शेरों को नथ पर डाली हुई है, कि कमी नहीं है इनमें बुरे काम करने वालों की, गुंडागर्दी हर तरह के लोग, लेकिन राम का नाम लेके नथ डल गई और अब वो प्यार मोहब्बत के सहारे चल रहे हैं। सो ये वाकई सच है, ऐसे ऐसे लोग हमने देखे, देख रहे हैं। तो बात सदगुर का जन्म महा खुशी से मनाओ, जबरदस्त तरीके से खुशियां मनाओ रोज, पर खुशी वचनों को मान के मनाने में जो आती है ना, वो कहने सुनने से परे। तोड़ दो भ्रमों को, दृढ़ यकीन के साथ बढ़ो आगे। आपका मन पेलेगा आपको एक बार, ओ देख तेरे को ये बोला, वो हो गया, ये हो गया, फला हो गया, मन जाली में, ये जरा सी बात को भी, चाहे वो सीधी बात कही जाए उसको भी उल्टा लगाएगा, क्योंकि तू नया नया उसके चंगुल से निकल रहा है। पर परवाह ना कर, डट के कर मुकाबला, यकीन मान जीत तेरी ही होगी, क्योंकि तेरा सतगुरु दोनों जहां का मालिक बहुत डाढ़ा है। तो इसलिए मन की ना सुनो, सतगुरु मौला की फकीर की सुनो, अमल करो, यकीन मानो, खुशियां आपको उड़ीक रही हैं, आपको आवाजें दे रही हैं, बल्कि वो तो दामन फैलाए खड़ा है, आजा कब मैं तुझे छाती से लगा लूं। बड़ा सुनहरी अवसर है, वचनों पे रहो, सेवा करो, और निंदा या निंदा करने वाले के पास बैठना तो क्या, बेपरवाह जी ने फरमाया परछाई भी ना पड़े, उसमें इंटरेस्ट मत लो, क्योंकि ये बीच में घूमते होते हैं ऐसे लोग, उनका मन खुद का खराब होता है और दूसरों का खराब कर देते हैं। हमने देखा जा के हमसे मिले बच्चे, वो कहते हैं ऐसा जी हमारा मन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने पूछा भी पहले तो ठीक था, अब क्या हो गया, क्योंकि कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, कोई मित्र, कोई पैसे देने वाला, या कोई लोभ लालच पूरा नहीं हो रहा शायद इस वजह से। संतों ने तो बताओ क्या बुरा कहा किसी को, कब बुरा कहते हैं, मन पीड़ता है मन। संतों ने तो दया ही की, कमी नहीं छोड़ी, नी आश्रों को आश्रय दिया और नी संतानों को संतान दी, खाली झोलियों वालों की झोलियां दिया, मेरे रहमत से लबालब भर दी, गमगीन दुखी परेशानों को खुशियों से लवरेज किया, और जिन घरों में दुख दर्द मुसीबतें थी उन घरों का जन्नत स्वर्ग बना दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड कर दिया। सदगुरु मौला ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो फिर सदगुरु को दोष क्यों, दद्दा दोष ना काहो दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जन, किसी और को दोष मत दो, जैसे कर्म कर रहे हो वैसा भोगना पड़ता है, इसलिए कर्मों में चेंज लाओ, हिम्मत करो, मन से लड़ो, यकीनन आप ये कर सकते हैं। जिसने मालिक सतगुरु से नाम लिया है वो ऐसा कर सकता है, मन का मुंह मोड़ सकता है और मालिक से नाता जोड़ सकता है। तो सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखो, जो हो गया सो हो गया, आगे वाला ध्यान दो,
जो बीत गया सो बीत गया, तौबा कर लो और सदगुरु मौला के गुणगान गाओ, सच्चे राह पे चलते जाओ, यकीनन उसकी खुशियां आपकी झोलियों में जरूर आएंगी। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की। किसी की सुनो ना, या कहानियां ऐसी बनाते हैं कि लोगों को यकीन आने लगा देते हैं कि भाई ये सही है, सारी दुनिया खराब है, ऐसे ऐसे मास्टर बैठे हैं। तो तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। तू अपना सोच बस, तू खुद गलतियां ना कर, मालिक से जुड़ा रह। किसी की ताकत नहीं जो तुझे मालिक से दूर कर सके। सवाल पैदा नहीं होता, बस मन की ना सुन, मन के मते मत चल, मन मतों का संग ना कर, क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसे लोगों में बैठोगे वैसी बातों आती है, और बुरी बात तो जल्दी आती है समझ में, अच्छी बात नहीं आती। कहते यार अग लगे बिना धुआं थोड़ा ही हुंदा है, माड़ी मोटी ता किते ना किते ता कुछ ता हो ही। अरे बिना पंख के डारें बन जाती हैं। सो ये कलयुग है, कलयुग। आप यकीन रखिए अपने सदगुरु मौला पे, कोई बात होती पूछ लें। जब भी सत्संग का दिन आता है, आप अपना सवाल लिखिए, नीचे नाम लिख दीजिए दो लाइनों में, पूछिए। जैसे अभी सवाल आपके पढ़े जाएंगे, तो हम कोई विद्वान नहीं, सदगुरु मौला जवाब दिलाने वाले हैं, जैसा ख्याल देंगे आपका जवाब देते चलेंगे। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। राजेश इंसान पटियाला से। पूज्य पिताजी, किसी जीव को नाम दिलवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया जा सकता है जी? रिश्वत देके नाम दिलाना, समझ नहीं आई। हाँ, आप किसी को ये कह सकते हैं कि मैं तेरा किराया भर दूंगा, तेरा खाना खिला दूंगा, वो तो परमार्थ है, वो रिश्वत तो होती ही नहीं। किसी को राम नाम से जोड़ते हैं, अगर उसका किराया भर दिया, खाना खिला दिया, वो तो आपका परमार्थ हो गया, उसमें रिश्वत वाली कौन सी बात हो गई। तो ऐसा आप कर सकते हैं राम, लेकिन और किसी तरह की रिश्वत, हम रिश्वत के बिल्कुल उल्टे हैं, खिलाफ। रामप्रीत इंसान कोटकपुरा से। प्यारे पिताजी, मैं बी फार्मा का स्टूडेंट हूँ, हमें प्रैक्टिकल में चूहे मारने पड़ते हैं, तो क्या यह प्रैक्टिकल करना चाहिए या नहीं? कोशिश करो कि आप मरने ना दो उसको, जितना संभव हो सके, अगर ऐसा हो सकता है। जितेंद्र कुमार इंसान कैथल से। पूज्य पिताजी, आप जी 24 घंटे में से कितने घंटे पूर्ण नींद लेते हैं? आपकी सामान्यतः दिनचर्या क्या रहती है? आप योग अभ्यास या जिम वगैरह में एक्सरसाइज क्या करते हैं जी? हम सुबह उठते हैं और घूमा भी नहीं जाता, इतने कार्य होते हैं, इतने चिट्ठियां हैं, कुछ फाइलें होती हैं आश्रम की, वो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं और इतने में तैयार हो जाते हैं। सारा दिन में हम खाते कुछ ऐसा डाइट नहीं है, सुबह 3 तोले हम सिर्फ आटा लेते हैं और फिर नहीं, तो दिन में कभी कभार अदरवाइज थोड़ा सलाद ले लिया या ऐसी चीज़ें, दूध जरूर ले लेते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। सारे दिन में शायद 500 या 700 ml या 800 शायद पूरे दिन में 24 घंटे में, कोई जिम नहीं कर पाते, हकीकत है ये। हालांकि बच्चों ने कह रखा है पिताजी किया करो, ये करो, वो करो, नहीं, कभी भी नहीं, जिम के पास भी नहीं जा पाते। बल्कि कभी कभी साल में एक महीना रात को टाइम निकाल के खेला करते हैं बच्चों के साथ, कई बार वो भी इस बार शायद मिस हो गया, क्योंकि हम सत्संग देने चले गए पश्चिम बंगाल साइड में, नाम देने चले गए थे। तो इस तरह से ये दिनचर्या, और रात को कई बार 2 बज जाते हैं, रात 3 बज गए, कभी 4 बज जाते हैं, और नींद यहाँ तक है पूरी गहरी नींद अगर आपको हो तो 2-3 घंटे ले ही लेते हैं पूरे जोर लगा के, वो भी कई बार वो भी टुकड़ों में हो जाता है सौदा। तो सदगुरु चलाने वाले हैं, हमारा तो शुरू से जन्म से 4 घंटे था, थोड़ा सा कम हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं, शुरू से ही 4 घंटे सोया करते थे। तो ये बेपरवाह जी की रहमो करम है, कुछ नहीं होता, बस टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मुझे नींद कम आई। आपको भी बताते हैं कि आप टेंशन लेते तब गड़बड़ होती है, वरना अगर आप 2-3-4 घंटे भी पूरी आपको गहरी नींद आ गई तो आपके शरीर के लिए काफ़ी है। हार्ड वर्कर हैं तो उनके लिए 4-6 घंटे काफ़ी है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप, हाँ कई ऐसे होते हो, मैं कितने घंटे सोता, 4 घंटे सोया हूँ, वो सारा दिन ही सोते रहते हैं, उसके लिए 4 घंटे, मुझे छेड़ना मत, मैं 4 ही सोया हूँ, दूसरे भी सोए थे, बला को छोड़ो मत। और कहीं 24 घंटे भी सोए हैं हमने देखा, सो गए तो सो गए फिर, हैं क्या है? अच्छा अभी तो कुछ ही नहीं हुआ, अंधेरा तो अपने आप ही, उन्हें विंडो पे पर्दे चढ़ा दिए, गेट को लॉक लगा दिया, लाइट बुझा दी, अब दिन थोड़े चढ़े उनके लिए, तो रात ही रात है, खर्क है खर्क है। तो कहने का मतलब हम ये नहीं कहते कि हम कोई बहुत बड़ी बात है, ये तो बेपराज की रहमत है, सौगात है उनकी। घर में ऐसे हुआ करता था कि सब लोग जल्दी सोते थे, हम नहीं सोते थे, हम पढ़ा करते थोड़ा 2-3 घंटे, और फिर या फिर खेलने निकल जाते, माता जी को नहीं पता चलता था,
हम चुपके से खिसक जाते थे, उनको ज्यादा सोए पड़े हैं, तो गांव में खेला करते थे। बहुत प्यार था, भाईचारा था, सारे धर्मों के लोग थे। रात को कबड्डी वगैरह जब चंद्रमा होता तो आम खेलते, नहीं तो वैसे भजन उठाते, अंधेरी रात होती तो वो चीजें करते रहते, एक्सरसाइज वगैरह या कोई दौड़ते रहते, ऐसी चीजें चलती रहती। गलत काम कोई गांव में नहीं किया करता था, या गलत प्लानिंग नहीं हुआ करती किसी भी गलत काम के लिए। तो इस तरह से ये जीवन सदगुरु जी ने अपने चरणों में लगा रखा है। वो ही चला रहे हैं, हम नहीं चल रहे, वो चला रहे हैं, उन्हीं का काम है ये सब। डॉक्टर गुलाब सिंह देसमुलकाना से, प्यारे पिताजी मैं पेशे से पशु चिकित्सक हूं, जब भी कोई पशु ज्यादा जख्मी या बीमार हो और घर वालों की सहमति हो तो क्या हम उसे मारने के लिए इंजेक्शन दे सकते हैं? ना भाई, हम तो कभी भी नहीं कहते कोई जीव हत्या करो। दयालचंद ख्याली वाला से, प्यारे पिताजी आप जी का चेहरा और आप जी के अनमोल वचन याद नहीं रहते, इसलिए मुझे टेंशन रहती है जी, मैं क्या करूं? टेंशन छोड़ दो, सिमरन करो कि अपने आप वो याद करवा लेगा, तो अपने आप बेबरो जी ने करवाना है, सुमन भी खुशियां देगा। रमनदीप कौर इंसान लिटिल रोजी ब्लॉक से, प्यारे जब कोई संत अपनी मौज में ही किसी जगह का नाम अपने मुखारविंद से फरमाए तो इसका मतलब क्या उस जगह को तारना होता है जी? सतगुरु की मर्जी है, ये उसके नाम पे डिपेंड करता है, सतगुरु ने क्या कहा और किस तरह किस अंदाज में कहा। अमनदीप अनमोल लिटिल रोजी ब्लॉक से, प्यारे पिताजी जैसे कि दुनियावी तौर पे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसकी रिस्पेक्ट के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, पिताजी आप जी तो हमारे दो जहान के कुल मालिक हो जी, पिताजी हम भी आप जी के सजदे के लिए ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं जी। नहीं, आप बैठे बैठे आपका सजदा मंजूर है, बेफिक्र रहिए, ऐसा कोई परवाह नहीं है, वो एक दिखावा है। खड़े होते हैं, गाड़ियां निकालते खड़े होते हैं, यार आगे खड़ा होना पड़ रहा है, देख तेरे की लय तेरे की, और जिनके अंदर भावना होती है वो बैठे बैठे सत्कार कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं खड़े होना, कोई मैनर है माने बात, लेकिन आज कौन है मैनरफुल, ज्यादातर मैनरलेस है। आपको बताया था एक लड़का होता था हमारे साथ पढ़ा करता था, हमेशा टीचर को गालियां देता। एक टीचर बीमार हो गया, हम सब लोग उनके घर भी गए, वो नहीं गए, वो वापिस आया, बीमार था बेचारा, पतला सा हो गया, तो हम सब ने कहा सर आप कैसे हैं किस तरह हैं, तो उन्होंने बताया ठीक हूं। वो भी लड़का आया और आते पांव के हाथ लगाया और आ गया, तो हम सब लोग हैरान, पूछा यार ये क्या किया तूने, आज कमाल कर दी, पांव के हाथ लगे। गुरुजी कहते थे हम, गुरुजी या मास्टर जी, उस समय सरसुर नहीं कहते थे। तो हमने कहा आपने गुरुजी के हाथ लगा के आए हो, क्या किया? कहता यार मैं तो बताऊं आपको, हमने कहा हाँ, तीन चार लोग थे हम। कहता मैं तो ये हाथ लगाया था, आप मरे नहीं फिर आ गए, बताओ। तो ये क्या कहें, सच्ची दिल से श्रद्धा से भावना से जो आप करते हैं वो ज्यादा मंजूर होता है, दिखावे की जरूरत नहीं। पद्मनी इंसान अम्बाला से, प्यारे पिताजी हमने रूहानी म्यूजियम देखा जिसमें हमने आप जी के पावन वस्त्रों के दर्शन किए, पिताजी अर्ज है कि आपके बचपन से लेकर जवानी तक के स्वरूप भी वहां पर हों ताकि हम भी आपके उन स्वरूपों को निहार सकें जिसके श्री गुरुसर मोड़िया वासियों ने दर्शन किए हैं। ग्रंथों में वो जरूर आएंगे और वो ग्रंथ काफी तो लिखा जा चुका है, पर अब आपको क्या बताएं, फुर्सत ही नहीं है, इतना ज्यादा कार्य होता है। ये रूहानी रूबरू नाइट्स हो गई है सेवादारों के लिए, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, कई चीजें करनी पड़ती हैं और कई काम हैं, तो जरूर कोशिश करेंगे कि उसको लिखें, लेकिन एक अक्षर भी नहीं लिख पा रहे, ईमानदारी से कह रहे हैं आपको, जैसे लिख पाएंगे, काफी लिखा जा चुका है तो उनमें तस्वीरें भी आएंगी, हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार जो आप मांग रहे थे वो चीजें उसमें देंगे। हरप्रीत सिंह बठिंडा से, प्यारे पिताजी बिना नाम वाले जीवां दे नाते परमार्थ किया जाए ताकि उन्हें जीवां दा भी भला होता है जी, कुछ ना कुछ असर होता है। चंडीगढ़ से आनंद पटेल व सिरसा से राजेंद्र संधू एनडीटीवी के लिए, इनके कुछ प्रश्न हैं जी। पंजाब में चुनाव है, क्या आपकी नजर में ऐसी कोई पार्टी है जो दबे मुजलिमों की हितकारी है? हैं? पंजाब में चुनाव है, क्या आपकी नजर में कोई ऐसी पार्टी है जो दबे हुए मुजलिमों की हितकारी है? दबे मुजलिम के मुलाजिम, मुजलिम लिखा हुआ जी। अच्छा, ये फर्क नहीं पड़ जाता मुलाजिम और मुजलिम में? मुजलिम तो शायद गुनाहगार नहीं होता उर्दू में शायद, और मुलाजिम जो होते नौकर शाही। फिर भी चलो, आप जिस भी तरीके से पूछ रहे हैं, हमारी निगाह में हम कभी किसी को राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन ये जरूर कहते हैं जो बुरे कामों से रहित हो और समाज को अच्छा बनाए उसको ही आगे लेके आए। इनका अगला प्रश्न, इस बार चुनाव में डेरा से जुड़े लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? बोल दिया हमने, एक ही जवाब है। अगला प्रश्न, अकाली दल का कहना है कि पिछली बार मालवा बेल्ट में डेरा के लोगों ने कांग्रेस की मदद की जिससे उन्हें कम सीटें मिली, क्या ऐसा कुछ हुआ था जी? भाई ये तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि आप कैलकुलेट करते रहते हैं, हम तो फकीर हैं। हाँ, लोग कहते यही रहे हैं कि हाँ जी चारों तरफ साध संगत ने एकता की इसलिए ऐसा हुआ। इनका अगला प्रश्न, अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार मुहिम के बारे में आप जी क्या कहेंगे?
हर किसी को समाज का भला करना चाहिए और सच्चे दिल से कोई समाज का भला करे उसके लिए मालिक से दुआएं करते हैं। अब अन्ना हजारे जी का हमें ख्याल में नहीं है वो किस तरीके से कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, क्यों ना हम अखबार पढ़ते हैं ना ही हम कोई न्यूज देखते हैं। हकीकत है क्या देखें क्या कहें क्यों नहीं देखते कुछ, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें इस बारे में नहीं है ना ही हम कोई इंटरेस्ट रखते हैं। हम तो ये जरूर कहते हैं समाज अच्छा हो, समाज में भलाई हो, नेक लोग अच्छे काम करें और समाज में हर कोई चैन आराम से जिंदगी जी सके। इनका अगला प्रश्न, डेरा के पास एक बड़ा वोट बैंक है और हर एक वोट की अपनी अहमियत है, इसलिए लीडरों की नजर हमेशा डेरा पर रहती है जी। आपने साफ छवि के लोगों को वोट देने की बात कही है, तो क्या अभी तक कोई ऐसे नेताओं ने डेरा में विजिट की है जी? आते रहते हैं, अब हमारे ख्याल में नहीं है, कई बार हमें ही टाइम नहीं मिल पा रहा, वो तो बहुत आना चाह रहे हैं क्योंकि हम ही इतने बिजी हैं। हमें बताया गया बहुत बार, हमने कहा भाई अब कह रहे हैं क्या टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो वो आना चाहते हैं, आ रहे हैं बीच बीच में, वो आ सकता, कोई भी आ सकता आश्रम में, हम किसी को रोकते नहीं है, सबके लिए खुला है जो मर्जी आए। और साफ छवि का जो वास्तव में बने वही समाज का भला करेगा। पुनीत इंसान नोएडा से पूछते जी, मन से सेवा कैसे होती है जी? सुमन करें, सत्संग सुने और मानवता भलाई परमार्थ कार्य करें, ये मन कभी नहीं चाहता और आप ये करेंगे तो एक तरह मन से सेवा करवा ली। यश इंसान संगरूर से, पिताजी मैं एक बार किसी के साथ मलेरकोटला गया, वहां पर कुछ लोग जो संत बने हुए हैं किसी के भी जीवन के बारे में पास्ट और प्रेजेंट बता देते हैं, इस पर प्रकाश डालें। तो फिर तो भाई वो देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो बता दिया करें, वोटों का चक्कर ही नहीं, वो तो आराम से बैठ जाए, सोए पिए घुराटे मारे भी, मैंने तो बनना ही है। तो ये फजूल की बातें हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है। पहले थोड़ा बहुत रीधी सीधी हुआ करती थी, ये गणित होता था जो थोड़ा बहुत आगे भविष्य की बात बता देती थी, आजकल तो माया रानी का चक्कर है हर जगह। स्थिति सिंसा मेरठ यूपी से, प्यारे पिताजी अब उस वक्त क्या समय हुआ था जब खुद खुदा परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने इस मृत्यु लोक में अवतार धारण किया था? टाइम तो सुबह का ही रहा होगा और बाकी बेपुरा जी की मर्जी, रात को भी आ जाएं तो भी मालिक तो मालिक है, जय रात को आ जाए, ये नहीं है कि मालिक में कोई फर्क पड़ता है। सोनिया इंसान सरसा, प्यारे पिताजी मैं 4 दिन से डेरे वाले हॉस्पिटल में एडमिट थी और कोमा में थी, डॉक्टर ने घर ले जाने के लिए कह दिया था, तभी पिताजी आप जो हॉस्पिटल में आए और मेरे सर पर हाथ रखा और उसी टाइम मुझे होश आ गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेबरा जी का रहमो करम है बेटा, मालिक की रहमत हुई है, सुमरण करते रहिए, वचनों पे रहिए, मालिक मौत जैसा कर्म काटने वाले, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सदगुरु मौला सब कुछ करने का आवनहार। महेश इंसान सेवादार सिक्योरिटी, प्यारे पिताजी आप जी की दया मेरे रहमत से मैंने 15 बुराइयां छोड़ दी है जी और इन बुराइयों पर ना चलूं, ऐसी ताकत बख्शना जी। शाबाश, बहुत ही बढ़िया बात है, जो भी बच्चे ऐसा कर रहे हो शाबाश, काबिले तारीफ। इन्होंने नाम नहीं लिखा, पूज्य पिताजी कोई भी जिम्मेवार किसी सेवादार की आप जी के पास शिकायत करता है तो आप जी को पता भी होता है कि ये झूठ है, फिर भी आप उस सेवादार से गुस्से हो जाते हो, क्या कारण है जी? हाँ, पहली बात तो हमारे पास ऐसी कुछ शिकायत करता है तो हम उसका पता करवाते हैं कि क्या भाई ऐसा है और फिर उससे पूछते हैं, पर वो आनाकानी कर जाता है या कुछ इस तरह की बातें बनाने लगता है। अगर उसको कुछ कह भी देते हैं तो हो सकता है दूसरों की निगाह में ये हो जाए कि देखा मैंने डांड डलवा दी, पर जिसको थोड़ा सा कुछ कह दिया, वैसे तो हम कहते ही नहीं, पर जो बिल्कुल एक पर्ची किसी ऐसे की है जो आसपास या खास हैं जो मिलते रहते हैं वैसे, तो अगर किसी को ऐसा कुछ कह भी देते तो हो सकता है उसका वो भयानक कर्म कट जाता है जो बहुत बड़ा भयानक कर्म होता है और दूसरों की उसको नहीं लगती कि यार इसको भी डांट पड़ गई, बढ़िया हो गया। तो इससे पता नहीं मालिक बेपरवाह हमसे उसका कितनी और ज्यादा खुशियों का हकदार बना देते हैं। चिराग इंसान सिरसा से, प्यारे पिताजी खंड और ब्रह्मांड कितने हैं जी? गिनती तो नहीं है लेकिन खंडों ब्रह्मांडों कोई कहीं भी काउंटिंग नहीं की गई, सो सैकड़ों त्रिलोकियां हैं और खंडों ब्रह्मांडों भी सैकड़ों हजारों में। जसवीर इंसान टीबी राजस्थान से, प्यारे पिताजी हमारा बच्चा 5 वर्ष का हो गया है लेकिन वो न तो बोलता है और न ही उसे सुनता है, क्या उसे नामदान व जाम पिला सकते हैं जी? पास बैठ के गोद में बिठा के आप दिलवा सकते हैं और सुमण करके उसे देते रहिए, जो भी डॉक्टर आपको कहें यहां से पता कर लीजिए। चक 4 AM रावत सर से, पूज्य पिताजी हमारे गांव के साथ संगत नाम चर्चा की मंजूरी लेना चाहती है, भंगीदास को प्रसाद भी दिलवाना है जी। आप मिलने 50 नंबर में या MSG एडम में जुम्मेवार। विक्रम इंसान रहतिया से, प्यारे पापा जी मैंने 5 साल से 2 महीने कम आयु में नाम ले लिया था, क्या मेरा सुमरन अब तक का मंजूर है जी? जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, आपको समझ थी, नाम याद है, आप सुमरण करते हैं तो ठीक है।
हैप्पी इंसान बठिंडा से। हम बठिंडा से इंडिका गाड़ी में सत्संग पर आ रहे थे, ड्राइवर को नींद आने के कारण गाड़ी खड्डे में चली गई और पेड़ से टकरा गई। आप जी की अपार दया मेरे से हम सभी बाल बाल बच गए, किसी को खरोंच तक भी नहीं आई जी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेटा मालिक रहमत करने वाले हैं। और प्यारी सत्संग जी, जब भी आप गाड़ियों में आते हैं, कम से कम चाहे कार है या बस है या कोई भी बस है, तो दो लोग ड्राइवर के पास वाली सीट पे बैठो, एक खुद ड्राइवर हो सत्संगी और एक आम इंसान जिसको नींद ना आती हो, और एक अगर आम कार जीप है तो एक आदमी कम से कम सचेत रहना चाहिए, ड्राइवर के बराबर में वो बैठे जिसको नींद ना आए। आप हमेशा जिंदगी में आपके काम आने वाली बात है, क्योंकि ड्राइवर के साथ वाली सीट पे अगर कोई सोता है तो ये मनोवैज्ञानिक है, ड्राइवर को भी नींद जरूर आएगी। कोई मजबूत है, हिम्मत वाला है तो वो काट जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा ही बैठो जो निगाह रख सके, ताकि ड्राइवर को नींद आए तो वो उसे पकड़ ले कि भाई रोक, गाड़ी रोक, तेरे को नींद आ रही है। तो ये जरूर ध्यान रखा करें, तो इससे मौत जैसे कर्म हो सकते हैं, आप वचन मानने से ही कट जाएं, ऐसा नौबती ना आए। बेपरवाजी करने वाले हैं वो ही वचन करवाते हैं, हम तो कुछ नहीं। प्रीति इंसान पुणे महाराष्ट्र से। प्यारे पिताजी, मेरी मम्मी पिछले कई दिनों से अस्पताल में सीरियस कंडीशन में है जी, लेकिन अब उनका दिल भी काम करना बंद कर गया है जी, क्या उनकी रूह आप जी ले गए हैं या उनके और स्वास्थ्य हैं जी? आप सुमण करते रहिए, वो तो मालिक के हाथ है बेटा, हम तो कौन है ले जाने वाले, सतगुरु मौला है, वो जिस मर्जी रूह में आके ले जाए। गुरुजी, मैं क्रेन ड्राइवर दीपक ठाकुर हूं और शेड के नीचे सेवा कर रहा हूं। गुरुजी, मैं बहुत नशे करता था, पर शेड के नीचे काम करते करते मेरी सभी नशे छूट गए, अब यह सब आप जी की रहमत है जी, और आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आज मैं नाम भी ले रहा हूं। शाबाश बेटा, शाबाश। देखिए मालिक रहमो करम वचन है कि ये सचखंड का नमूना परमपिता श्याम मस्ताना जी महाराज के, परमपिता शास्त्र नाम जी दाता के, कि ये नमूना सचखंड का नमूना बनेगा। और ये नमूना जो भावना से उन्होंने सेवा की, देखिए नशे छूट गए, आज वो राम का नाम ले रहे हैं, तो जिंदगी में और बहारें आएंगी बेटा, सुमण करना। सुखवीर और अजय पीपली कुरुक्षेत्र से। चार भाइयों को 69,000 रुपए का गुम हुआ चेक मिला था, इन्होंने इसे एमएसजी एडम ब्लॉक में दे दिया ताकि जिसका है उसे दिया जा सके। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप सुमण करते रहे, मालिक खुशी दे बेटा, बहुत बढ़िया। जीवन पाल इंसान ओढ़ा से। पूज्यता जी, जनवरी महीने में दिन तो 31 होते हैं जी, पर प्रेमियों के घर ज्यादा होने के कारण नाम चर्चा सुबह से हम क्या कर सकते हैं जी? अगर आपको फुर्सत है और साथ संगत ऐसा चाहती है तो सुबह शाम टाइम के अनुसार उस टाइम लिमिट में ही आप कर लें, अगर साथ संगत चाहती है तो। शुभ देवी गुरु खुशी। प्यारे पापा जी, आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए आप जी की बेटी ने आज व्रत रखा है, वह भलाई फंड में 1100 रुपए भी जमा करवा दिए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। बेटा मालिक खुशियां दें। और आप जानते हैं शुभ देवी, बस कहने की जरूरत नहीं, सात संगत को मालूम है। तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद जहां भी आप हैं, मालिक खुशी दे, प्रसाद ले लेना, मालिक रहमो करम से नवाजे, और समय के अनुसार नारा लगा के व्रत खोल लेना ताकि मालिक और खुशियां बख्शे। मोनिका इंसान। प्यारे पापा जी, रूहानियत और पढ़ाई के क्षेत्र में तरक्की के लिए एक स्टूडेंट की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? बहुत बार बताया बेटा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठें, थोड़ा चहलकदमी करके थोड़ी देर सुमण करें, उससे एकाग्रता और बढ़ती है फ्रेश होने के बाद, और फिर आप पढ़ें, और वो सुबह का पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है, क्योंकि सोने के बाद माइंड विज्ञान के साइंस के अनुसार भी बिल्कुल फ्रेश होता है। आप सो जाते हैं, थकान और टेंशनें, बॉडी रिपेयर होती है रात को जब आप सोते हैं, मालिक ने ये नियम बनाया है, क्योंकि आपका अंग पैर हिलते नहीं है बिल्कुल, और पूरी बॉडी की मालिक रिपेयर करवाते हैं आपके ही शरीर से, तो उस ऐसे में आपकी थकावट उतर जाती है, आप फ्रेश माइंड होते हैं, तब आप जो पढ़ते हैं, हमने तो आप इसी तरह से पढ़ा, बहुत कम पढ़ा करते थे क्योंकि काम ही इतने ज्यादा होते, सारे खेती हम करते थे पढ़ा, और सारे गेम सारे खेलते थे, और पता नहीं किस किस को मिलना होता था और क्या क्या करना होता था, तो सुबह का ये समय ही ज्यादा बेस्ट होता है, इस समय जाके पढ़ें, अगर हो सके तो आदत बना लें, मजबूर नहीं, ये नहीं कि नींद आ रही है और आप पढ़ रहे हैं या पिता जी ने कहा क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ये तो कोई बात ना होगी, आप आदत बना लें कि उस समय उठ ही जाना है बस, तो फिर ये बढ़िया है, नहीं तो फिर आप जब भी जागते हैं फ्रेश होने के बाद थोड़ा सुमण करके फिर पढ़ें, और फिर जो भी आपको होमवर्क वगैरह मिलता है लगातार टीचर पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिए, शरारतें ना करो उस टाइम, ध्यान से जो आपको नहीं आता वो दो बार पूछो, टीचर की ड्यूटी है, वो तनख्वाह लेते हैं, अगर एक बार समझ नहीं है दूसरी बार सर मुझे समझ नहीं है बताइए तो आप पूछ सकते हैं, ये आपका हक बनता है, तो इस तरह से आप पढ़ें और खेलें भी जरूर, क्योंकि इससे क्या है आपका ध्यान एकदम से पढ़ाई से हटता है, बॉडी आपकी पावर हासिल करती है, दोबारा पढ़ाई में लगाएंगे तो एकाग्रता ज्यादा आती है और आप ज्यादा तरक्की कर पाते हैं। अच्छा खाएं,
तली हुई चीजों से गुरेज करें, परहेज करें, क्योंकि ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपके लिए खतरनाक होती हैं, और जिसमें पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता और चीजों में दिमाग चला जाता है। सात्विक भोजन जितना हो सके लेना चाहिए, ज्यादा नहीं तो जितना भी संभव हो, और बस सुमन करिया करें सोते टाइम। जब भी आपको लगे कि आप परेशान हैं, आपका कंसंट्रेट नहीं बन रहा, नारा लगाओ, 5 मिनट सुमन करो, फिर नारा लगाओ, पानी पियो, फिर पढ़ो। नहीं तो नेचर को देखो, कुदरत को देखो, पेड़ पौधे फूल वगैरह वगैरह जहां भी आप रहते हैं, कुछ भी आप थोड़ा घूम के थोड़ा आसमान को देखो, नेचर की ये चीजें हैं, तो उससे थोड़ी देर बाद फिर से आप पढ़ना शुरू कर दो, तो इससे आपकी एकाग्रता जरूर बन जाएगी और आप अच्छे पढ़ सकेंगे और अच्छे नंबर ले सकेंगे। सरोज जी साहब, प्यारे पापा जी, आपकी हजूरी में जो शादियां होती है, तो क्या कोई नवविवाहित जोड़ा आपकी हजूरी में बच्चा गोद देने का लिखित में प्रण ले सकता है? जी बेटा, वो प्रण ले सकता है और फिर कानूनी तौर पे वो बच्चा ले भी सकता है, ऐसा हो सकता है। रश्मि कैथल से, सिमरन करते समय अगर शरीर ऐसा लगे कि ऊपर उठ रहा है, ये क्या है? मार्गदर्शन करें। कई बार ऐसा लगता है कि आपसे बातें कर रहे हैं, यह असलियत होता है या विचार आना? सुमरण कर रहे हैं और उसमें एहसास होता है तो असलियत होती है, वो मालिक से आप बात करते हैं। और बाकी शरीर का उठना ये तो जरूरी है, किसी किसी को शरीर का उठना लगता है, ऊपर होती वो आत्मा है, शरीर वहीं होता है, कुछ नहीं होता, आत्मा उठती है ऊपर, किसी किसी को एहसास होता है कि वो ब्रह्मांड में घूम रहा है। कुलविंदर इंसान जलालाबाद फिरोजपुर से, प्यारे पिता जी, क्या 10वां द्वार खुलने से पहले जीव आत्मा में आकर्षण पैदा होता है? जी बेहद ज्यादा। लवप्रीत इंसान सैक्रामेंटो यूएसए से, ये लाइव मैसेज है। प्यारे पिता जी, 13 जनवरी सुबह की मजलिस में मेरी बात आप जी के साथ हुई थी, तो मैंने आप जी को अपना मन देने का वायदा किया था। आप जी ने कहा था कि बेटा आप तो आपको कबूल है तो देख लो। पिताजी उस समय मैं फोन पर कोई जवाब नहीं दे पाया। प्यारे पिताजी, मुझे सब कुछ कबूल है जी जो आप जी ने वचन किए थे। जी ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा, शाबाश, क्योंकि अगर आप अपना मन दे दें तो यकीनन है कि आपको अगर कोई गलत विचार आए तो या तो फिर उसके लिए 10-15 मिनट सुमरण करें, तौबा करें कि मैं आगे से नहीं आने दूंगा, या फिर अपने फकीर को बताएं अगर संभव हो पाए, जिसको संभव है कि मेरे में ये चीजें आई पर मैं आगे से नहीं आने दूंगा। तो ये है मन देना, ये नहीं कि मन दे दिया जी और बाद में मन का दे रट्टा दे बट्टा दे रट्टा दे बट्टा, ऐसे नहीं। तो आपने ये सब सोच लिया है तो नारा लगा दीजिए, ठीक है, आगे से ख्याल रखिए, आशीर्वाद बेटा। मिकिन सांबरमपटन कनाडा से मैसेज, भगवान रूप सभी संत महात्मा भारत में ही क्यों आते हैं जी? वैसे तो दुनिया के पूरे क्षेत्र में रूहानी संत आए हैं, पर ये धरती मालिक ने शायद सबसे बढ़िया मानी होगी और नेक मानी होगी, इसलिए आ रहे हैं पूरी दुनिया को। जरूरी तो नहीं जगह जगह से, मालिक को एक ही जगह पसंद है तो ये मालिक की मर्जी है, उसको पसंद है। दलजीत दीवान इंसान कनेक्टिकट, ये आप ये सोचते हैं मेड इन इंडिया ठीक नहीं होता, मेड इन फ्रांस अच्छा होता है, इस मामले में तो मेड इन इंडिया ही बेस्ट है और बेस्ट रहेगा पूरी वर्ल्ड में। दलजीत दीवान इंसान कनेक्टिकट यूएसए से, जब कोई इंसान एक बार कहीं से नाम ले लेता है पर कुछ साल बाद वो किसी और से भी नाम शब्द लेना चाहता है, क्या यह सही है? इसमें किसकी कमी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नाम लेने से पहले ही इंसान को अपने गुरु पर इतना भरोसा हो जाए कि उसे दर दर भटकना ना पड़े? भाई, जो पूर्ण गुरु के शिष्य होते हैं वो कभी नहीं भटकते, मन के पीछे चले मन मते जो चल पड़ते हैं तो वो तो फिर सारी जिंदगी दोनों जहान में ठोकरें खाते, नरक भोगते। अशोक इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी, जब सुमरण करते हैं तो मन दिमाग में बहुत अजीब अजीब तरह की बुरी इमेज बना देता है जी, और फिर बहुत गुस्सा आता है। प्यारे पिताजी, कुछ ऐसा करो कि जब भी सुमरण करें सिर्फ आप ही आप नजर आओ जी। अकेले कमरे में बैठ जाइए और अगर कोई सुनने वाला नहीं तो थोड़ा ऊंची बोल के सुमरण कीजिए तो मन रुक जाए, जल्दी रुकता है। मधु इंसान न्यूयॉर्क यूएसए से, प्यारे पिताजी, जिस तरह वेश्याओं और किन्नरों का उत्थान किया गया है उसी तरह जो विकलांग है उनकी शादियों के बारे में भी कुछ हो, विशेष तौर पर विकलांग लड़कियों की शादी का, क्योंकि उनके माता पिता को उनकी शादी की बहुत चिंता होती है। नोट कर लें, अच्छा सुझाव है, बहुत बढ़िया बेटा। सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से ले मैसेज, प्यारे पिताजी, भवसागर क्या है जी और आत्मा का इससे क्या संबंध है जी? भवसागर संसार में काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मनमाया कि ये जो लहरें उठ रही हैं, लोग इसमें फंसे हुए हैं बुरी तरह से, ये एक समुन्दर है और इसमें डुबकियां लगा रहे हैं, मर गए जी गए मर गए जी गए, तो इससे पार जाने के लिए राम नाम ही एक जहाज है। सिर्फ इस भवसागर से नहीं, आत्मा का वो भवसागर जो आत्मा रूहानी रूप में जब जाती है ऊपर तो तरह तरह के वहां जाल बिछे हुए हैं काल महाकाल के, उनको भी तोड़ के उन समुन्द्र को भी पार कर जाती है, तो ये राम नाम से ही संभव है।
आखिरी प्रश्न है जी, हरप्रीत इंसान नागपुर महाराष्ट्र से, ये लाइव मैसेज है। तरिप्ता जी, यहाँ एक अखबार व मैगजीन में प्रकाशित हुआ है कि वैज्ञानिकों ने 6 वर्ष के अध्ययन के बाद यह मान लिया है कि ब्रह्मांड में 100 अरब सूरज हैं। पेरिस स्थित खगोल भौतिकी के संस्थान के वैज्ञानिक प्रोफेसर डेनियल कुब्बास ने यह भी बताया है कि धरती के अलावा और भी कई जगह पर जीवन है, जो आप जी तो हमेशा से कहते आ रहे हैं। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हमने तो हर बार कहा है कि 100% मानना पड़ेगा। एक नहीं, सैकड़ों जगह जिंदगी है और लाखों चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हैं। तो देखिए, वो मान गए हैं कि हाँ भाई, सूरज तो मानेंगे, हमारे धर्मों वाली बात धीरे धीरे सभी मान लेंगे, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम हो सकता है, जल्दी मान जाए। तो ये सवाल थे आपके। और प्यारी सत्संग जी, सजरे ना एक विवाह शादी वाला परिवार आया है जी। लड़के का नाम वीर सिंह इंसा, पुत्र पंजा सिंह इंसा जी का निवासी सकरपुरा जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम रीमा इंसा, पुत्री मोहन सिंह जी की निवासी रिहोंद कला जिला मानसा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिलजोड़ मार डालें जी, आ जाएं और जिंदगी की मोदी बैंक में 2015 रुपए जमा करवाएं। आशीर्वाद। और ये नौजवान शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है जी, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। विवाह शादी वाले दूसरे परिवार, लड़के का नाम लखविंदर इंसा, पुत्र करनैर सिंह जी का निवासी राजेवाल जिला जलंधर पंजाब। लड़के का नाम जंगीर कौर इंसा, पुत्री बंता सिंह इंसा जी की निवासी सवाई के भोकड़ी जिला फिरोजपुर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालो जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो विवाह शादी वाले परिवार जिंदगी मत करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में मालिक खुशियां बख्शे, आपस में प्यार बढ़े, आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जियो, आपने सच्ची दाता रहबर की पवित्र वचन सुने, आपके सवालों का जवाब वही देने वाले हैं। सो आप सेवा करते हैं, पर सेवा करके एहसान ना जताएं। कोई भी सेवा करो, किसी का जीवन बचा दिया, बीमार का इलाज करवा दिया, दिल में कई बार ऐसा ख्याल आ जाता है, यार मैंने ये कर दिया वो कर... ना ना ना, नाम दियाने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। अहंकार ना आने भाई, वो उसको मर्जी वो कबूल कैसे करता है। पर आपने अपना काम लगन से करो, जो भी सेवा करते हो, अच्छे नेक काम करते हो, भावना से करो, श्रद्धा से करो, नेकी से करो, उसका फल तो वो देख रहा है, उसने तो देना ही देना है। जाहरा तौर पे वो खुशी आपको महसूस नहीं होती, लेकिन उसकी खुशी मिलेगी ही मिलेगी। सो इस पे हो ही नहीं सकता। आप सेवा करते आश्रम में या महाबयानों में, जो आप सेवा पे जाते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी आपको फल मिलना है। एक बार आए, अगली बार आओगे तो फिर से दिन दुगनी रात चौगनी। जो आश्रम में सेवा होती है वचनों की और जो महाअभियानों की, तो ये कोई कमी नहीं रहती, ये आपके हाथ में है। जितना समय सेवा में दोगे, जिन्होंने दिया, और बीमारों के जो बीमार थे बहुत देर से, बीमारों के रोग कट गए और नि आश्रों को आसरा मिला, और जिनको कोई नौकरी या बेरोजगार थे उनको नौकरियां मिल रही हैं। रोजाना आके बच्चे यहां बताते हैं। सो मालिक अंदर बार कोई कमी नहीं छोड़ रहा, कहीं की रूहानियत में तरक्की हो रही है। तो आप सेवा करें ना करें, हम तो बताना तो हमारा फर्ज है ना कि आप सेवा किया करें। हम ये नहीं मोल्ड कर रहे कि हर हाल आओ, मर्जी आपकी। आपको बता दिया कि ये मिलता है यहां ऐसा सेवा करने से, जो परमार्थ मानवता की सेवा, आगे आपकी मर्जी, आओ ना आओ। कहीं सोचो गुरुजी इसलिए बता रहे हैं ताकि ज्यादा आए, तो वो तो आपकी मर्जी है। आप कोई पशु थोड़ी हैं जो खूंटे पे बांध देंगे रस्सा डाल के कि बेटा हिल के दिखा।
फिर तो पता नहीं कितना कुछ दिलवा दें अगर ऐसा हो तो, पर ये तो आपकी इच्छा है। पर बताना हमारा फर्ज कि सेवा का मेवा नगदो नगद दुगुना चौगुना आए बार बढ़ता जाएगा और खुशियों से आप माला माल होते जाएंगे। सब एक दो मिनट सज रहना है जी, और आप सबको भंडारे की मुबारकबाद। उसके बाद आपको लंगर भोजन सेवादार थोड़ी सी देर में खिला देंगे, और जो नाम लेने वाले हैं वो पहले गुरुमंत्र ले लें अंदर जाके, सचखंड हॉल आपके सामने, हम वहीं जा रहे हैं, और उसके बाद यहीं रूहानी जाम पिलाया जाएगा और उसके बाद फौरन लंगर खिलाया जाएगा। पर सत्संग शायद काफी देर से बैठी हो, हाँ भाई सत्संग जी आपने लंगर अभी लेना है या फिर जाम के बाद? जो अभी वाले हैं जरा हाथ खड़ा करें, बिल्कुल शर्माना नहीं, जो कहते हैं अभी खाना है और जी ठीक है, और जो कहते हैं जी जाम के बाद लेना है तो ठीक है, हाथ नीचे कर लें। तो प्यारी सत्संग जी हो कितने बताएं, 25 एक लोग होंगे इधर और 20-25 इधर, जो कहते हैं जी जाम से पहले हमने लंगर खाना है, तो उनको भाई कनातों से उधर बिठा के खवैला खिला देना। बाकी सात संगत ने जाम के बाद यहीं पे सबको लंगर खिलाया जाएगा, क्योंकि उनका भी विचार क्या करें, पेट में क्या पता हाथी कूद रहे हो, कई होंगे कहते सब तो भुखियां तो भगती नहीं होंगी माड़ा सांभ अपनी, कई ऐसे होते नहीं हो सकता, कई होता है आठ पहर में एक बार खाते हैं, कई होता है आठों पहर खाते हैं, तो उनको तो काफी देर होगी बैठे बैठे, कैसे करेंगे इतनी देर, अब तक तो मुंह चलता रहना था बकरी की तरह। बुरा ना मानना, बकरी नहीं बनाया हमने आपको, बकरी इसलिए कहते हैं कि वो कितनी भी भरपेट भरा हो उसका, हरी पत्तियां देखी उसने मुंह मारना ही मारना, पुछ 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 पुछ। और कई ऐसे महाशय खाना भी खा लेंगे, मूंगफली देखी पटाखा तड़क अंदर, अच्छा रेबड़ी देखी तड़क, नहीं तो ऊँ मुंह जा मिठा कर, रसगुल्ला खा गए मुंह मिठा करो, 150 कैलोरी अंदर चली गई अभी मुंह ही मिठा करे, रोटी खाई मैं तो एक ही रोटी खाना है और तो मुंह मिठा करे, दसो तो वो मर्जी आपकी है, क्योंकि पेट आपका है, इसको पेट रखो चाहे इसको भाई डस्टबिन बना लो, ये तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी डाले जाओ, लेकिन ज्यादा नहीं डालना चाहिए, थोड़ी अगर भूख रहे तो आदमी तंदुरुस्त रहता है, और जब नाक तक भर जाए तो आदमी बीमार पड़ जाता है, तो ये आपकी मर्जी है, और इसलिए हमने दोनों की बात कह दी। बाकी लांगरियों देख लेना 20-25 इधर है भाई, और कुछ 20-25 इधर वो तो खा ही लेना, जब अपने हाथ खड़े किए तो आपके लिए स्पेशल अलग से बिठा के आपको, शर्म ना मानना यार, सब में से उठ के जाना पड़ रहा है, कहेंगे आप उखड़ा गए, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, नहीं अब नहीं जी मानता तो ना से, और बाकी सारी सात संगत कह रही है जी इसके बाद जाम के बाद, क्योंकि जाम पे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से ये प्रोग्राम हो जाएगा, तो अब थोड़ा सा समय सज रहना, और सात संगत जी जल्दी आया करो, जब हम आए थे तो आधी थी और अब देखिए सात संगत कितनी ज्यादा है, तब तो बहुत कम थी जब हम आए थे, हालांकि हम बहुत वेट कर करके भी अब तक तो सारे आ ही गए होंगे, क्योंकि राजस्थान से दूर दराज से लोग कम आ पाते हैं, दूर भी बहुत पड़ता है, तो फिर भी उड़ीकते रहे, लेकिन अब तक भी सात संगत आ रही है लगातार, तो नाम वालों को सही टाइम पे लेके आया करो, और जो तब से बैठे हैं तो उस भंडारे का फल भी तब से शुरू हो जाता है, ये फिक्र मत करो, ये नहीं है कि आप खाली रह गए, हम आए ना आए लेकिन बेपरवाह जी के वचन बोले जा रहे हैं, जो ग्रंथों से शब्द है मेनली उनका फल ज्यादा मिलता है, सदगुरु के वचन है, वैसे भंडारे के शब्दों में कुछ छूट है कि भंडारे में कुछ सही तरीके से बना के भंगीदास से पास करवा ले और वो सिर्फ भंडारे के टाइम में यहाँ पे बोल लेता है तो उसकी खुशी भी मिलती है। सो ये तो बेपरवाह जी के वचन जो आप सुनते हैं उनकी खुशियां बेइंतहा हैं, सो आपको वो खुशियां मिलती हैं, बस एक दो मिनट सजना है फिर आपकी सेवा में जाम का प्रोग्राम रखते हैं, पहले नाम दे के आते हैं। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपने जगह पर बैठे रहें जी। शेड के नीचे कोई भी भाई या बहन अगर ऐसा है जिन्होंने जो पहली बार आया है और गुरुमंत्र लेना है तो आप जल्दी से सचखंड हाल में अभी चले जाएं, गुरुमंत्र पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, कोई भी भाई या बहन अगर यहाँ शेड के नीचे है जो गुरुमंत्र लेने के लिए आया है जल्दी से सचखंड हाल में चले जाएं जी। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। सभी ब्लॉकों को सूचित किया जाता है कि जिन ब्लॉकों ने अपनी परमार्थ की फैले जमा नहीं करवाई वो अभी भी मौका है, आज ही करवा दें,
और दूसरी सूचना, सरसा शहर से लेकर आगे नेजिया गांव तक आपने किसी ने जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट की जरूरत है कमरा नंबर 50 में मिलकर अभी ले सकते हैं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरुमुख बनना है। तीसरी प्रार्थना, सर्दी का मौसम जोरों पर है, आप जरूरत के अनुसार कंबल खेस अपने साथ लेकर आया करें। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। और शाहराम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के जो सेवादार बहन या भाई, नारा सेरेमनी जो कि 21-22 जनवरी को